पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तिथि को शुक्ल पक्ष में देवी राधा का जन्म भी हुआ था। बरसाने में राधाष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राधाष्टमी का पर्व जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस बार 26 अगस्त 2020 को राधाष्टमी का पर्व मनाया गया। बरसाने की गो वृषभानु और कीर्ति की पुत्री राधा तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। बरसाने के अलावा राधा का अधिकतर समय वृंदावन में ही बीता। राधा ने जब कृष्णा को देखा तो वो बेसुध हो गई थी। कहते हैं पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी, तभी से दोनों में प्रेम हो गया था। श्री कृष्ण और राधा विवाह करना चाहते थे, परंतु यशोदा और गर्ग मुनि के समझने पर यह विवाह नहीं हो सका। फिर श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन को हमेशा के लिए छोड़कर मथुरा चले गए और मथुरा से द्वारिका। परंतु इस दौरान भी वे कभी राधा को नहीं भूले और राधा भी श्री कृष्ण को कभी नहीं भूली। कहते हैं कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी, इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर पड़ गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वो उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हरे कृष्णा, मेरा नाम अर्चित दास है, मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ और जितने भी इवेंट मैनेजमेंट होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, मंदिर का पूरा टेक केयर करना मेरा सेवा है। और आज राधा अष्टमी का प्रोग्राम है। जैसा कि जानते हैं आप कि 15 डेज बैक 15 दिन पहले हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई थी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। वैसे ही आज राधा रानी का अपीयरेंस डे है, आविर्भाव दिन भी है और उसको बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। राधा रानी का बहुत बड़ा महत्व है हमारे इस्कॉन सोसाइटी में। बताया जाता है शास्त्रों में कि उनकी कृपा के बिना कोई भी भगवत धाम वापस नहीं जा सकता, कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। उनका हम फेस्टिवल जो है बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो आज हमने यहाँ पर अभिषेक किया और फूलों का अभिषेक हुआ उसके बाद, और आज जो है स्पेशल आज का जो अट्रैक्शन था, करीब 2500 भोग भगवान को अर्पित किया गया, जिनमें से करीब 1000 भोग हमारे ब्राह्मणों ने बनाया था और बाकी 1500 भोग आसपास के सोसाइटी में जो हमारे डिवोटीज हैं, जो इसका कृष्ण कॉन्शियस का बहुत स्ट्रॉन्गली प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपने घर से बना कर खिलाए थे बड़ी क्लीनलीनेस के साथ। तो इस तरह से 2500 भोग ऑफरिंग करे गए और उसके बाद सारा प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सभी भक्तों में। 2000 से 3000 भक्त ने दर्शन किए यहाँ पर और इसका पूरा आनंद लिया है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहें हमारे नई वीडियो से।